जय श्री महाकाल दोस्तों, आज रविवार का दिन आप देख रहे हैं दुनड़का पशु मंडी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश की काफी फेमस पशु मंडी है। तानी भैंस की बात करें, काफी भारी मात्रा में तानी भैंस यहाँ पर पहुंचती है। मारवाड़ के काफी जानवर आते हैं यहाँ पर और एक अच्छे दाम में पशु यहाँ पर मिल जाते हैं। तो 16 सितंबर सोयाबीन का जो रेट है उसको लेकर जो कल उज्जैन है वहाँ पर एक वाहन रैली, उज्जैन के आसपास के हमारे लोकल जो किसान भाई देख रहे हैं वो कल जो 16 दिसंबर के दिन दोपहर 1 बजे आप उज्जैन जरूर पहुंचे। जितनी भारी संख्या में पहुंचेंगे हमारी आवाज बुलंद होगी। तो जो रेट है वो अभी गवर्नमेंट ने, जो मध्य प्रदेश सरकार है, इसने 4892 रुपये भी जो है वो MSP का तय किया है। बाकी हमें चाहिए जो हमारा 4000 से 4500 रुपये तक, तो हमारा इस सोयाबीन की जो फसल है इसे 1 क्विंटल पैदा करने में इतना खर्च हो जाता है, तो हमें मिल तो कुछ भी नहीं रहा है। इसलिए हमें जो सोयाबीन की कीमत है वो करीब मिलनी चाहिए 6000 के पास। तो उसको लेकर हम सभी साथ में खड़े हैं। तो हमारे पास एक सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हम आप लोगों तक बात रख रहे हैं अपनी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे कल उज्जैन में। पहली भैंस देखिए आप, धुंधड़का बाजार से अभी सेल आउट हो चुकी है, देसी नस्ल में भैंस है। तो आपने खरीदी भैया? हमने बेची। आप? अच्छा, आपने बेची। कहाँ से हो आप? हम दलोदा से। जी, दलोदा से हैं भैया जिनकी भैंस है और अभी मिल्किंग कर रहे हैं। खरीदार कौन है भैया? अच्छा, कहाँ से आए हो आप? अच्छा, कितने में हुआ भैया सौदा? 52000 में। जी भैया, दूध कितना होगा अनुमान? 5 किलो बता रहे हो जी। देखिए देसी नस्ल में भैंस है और 52000 रुपए के लगभग सौदा हुआ इसका धुंधड़का पशु बाजार से। दोस्तों जो भैंस के पशु बाजार होते हैं इनमें दूध और कीमतें बताई जाएगी, जो आगे वीडियो में आप देखेंगे वो फाइनली नहीं होंगी। दूध कम होगा, कीमतें भी कम होगी जो बताई जाएगी आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बिल्कुल सटीक मान के ना चले कि इसी में होगा। तो दोस्तों देखिए आप, ये वाली जो भैंस है भैया, क्या डिमांड है इसकी? डिमांड है 5 की भैया जी। दूध कितना होगा? दूध 7-8 लीटर। कहाँ की है भैंस? नागौर जिला। नागौर जिले की भैंस बताई जा रही है। मेरा भाई के गांव की, नागौर जिला जी भैया। 1,05,000 दोस्तों इसकी डिमांड बताई जा रही है, देख सकते हैं आप। और कौन से दांत में जनी है? 4 दांत बच्ची है। 4 दांत है बच्चा वो सामने वाला? हाँ, ये बच्ची है। अच्छा, नीचे भी बच्ची है जी। ये वाली 6 दांत है। इसकी क्या डिमांड रखी है आपने? इसकी 95,000। इसके नीचे दूध कितना है? इसके 6-6 लीटर दूध, 6-6 किलो। ठीक है, आप कहाँ से हो? मेरता सिटी। ठीक है भैया, दोस्तों देख सकते हैं धुंधड़का का बाजार काफी फेमस और बड़ा बाजार है। यदि हम बात करें वाला पशु, देखिए आप धुंधड़का के बाजार से, अभी सुबह सुबह का समय हो रहा है, बाजार लगभग भरा हुआ है, पूरा बच्चा है नीचे। और देख सकते हैं भैंस की कदकाठी, सिंग की रिंग, सिंग की बनावट, 8 क्वालिटी देख लीजिए आप। कदकाठी मीडियम है, थोड़ी दुबली पतली है भैंस, बाकी हाइट अच्छी है, शायद तीसरे दांत के आसपास में होगी। तो भैया आप देख रहे हो इसको? अच्छा, जम रही आपको? अच्छा, कहाँ से आए हो आप? भुआसा से पहुंचे हैं। और इनको ये वाली जो पशु हमने दिखाया है वो अभी ठीक लग रहा है। तो क्या इच्छा है आपकी, कहाँ तक सौदा हो जाए? अभी देख ही रहा, बात चल रही है। जी, तो सचिन भैया बात कर रहे हैं? सचिन जी, तो सचिन भाई के माध्यम से खरीद रहे हैं दोस्तों ये वाला पशु। और देखते हैं इस वाले पशु की जो है कीमत है, क्या कीमत जो है लगाई जाती है। और तो सचिन भैया, ये जो पशु है कहाँ तक लगाया आपने इसके? 50,000 रुपये जी। भैया क्या बोल रहे हैं आखिरी? 55 में तैयार है देने को। तो देख सकते हैं 50,000 दोस्तों इसके लगाए हैं इन्होंने, 55,000 वो बता रहे हैं। दूध कितना होगा इसका अनुमानित? 5 किलो बता रहे हैं, 4 किलो निकाल दीजिए, 4 किलो के आसपास में। जी भैया आप कहाँ से पहुँचे हो? भुआसा से पशु खरीदने आए हो? अच्छा, यही वाली भैंस देख रहे हो अभी जी? जम जाएगा लगभग सौदा? लगभग कगार पे ही है जी।
अच्छा, आपका शुभ नाम? तेजपाल सिंह जी। आपका अंकल जी? दरबार सिंह। दरबार सिंह जी, अच्छा। तो वीडियो देखकर संपर्क हुआ होगा सचिन भैया से? संपर्क वीडियो से हुआ जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। भैया क्या हाल चाल है भैया? बस अच्छा, कहाँ का है अपने पशु का जंगल? हाँ सर जी। कहाँ अपने भैंस का जंगल? कहाँ का? भीलवाड़ा जंगल। भीलवाड़ा की जी। तो भैया दूध कितना होगा अनुमान इसका? इस वाली इसके नीचे दोनों टाइम का 12 किलो दूध। 12 किलो, ठीक है भैया। आपका शुभ नाम? हेमंत नाम है सर जी। ठीक है, धन्यवाद सर। तो भैया की भैंस है जो हेमंत जी है, भीलवाड़ा की बता रहे हैं भैंस। तो देख लीजिए, एक ये वाला पशु देख रहे हैं, सेकंड नंबर का। इस वाली भैंस का भी सुबह लग रहा है। तो जो सचिन भाई है वो बुला रहे हैं किसी को। ये वाला पशु है। और क्या हाल चाल है भैया? बस कृपा है भगवान आपकी जी। तो भैया इस वाली की क्या डिमांड? इसके मांग रहे हैं 95,000 रूपए सर जी। पाड़ी है, कल की जाने लिए जी। हाँ भैया, दूध ये कितनी कैपेसिटी होगी, कितना दे सकती है गरुमा? अच्छा, बोल तो 7 किलो दूध दे देगी जी। और ये इन भैया को दी अपनी मैंने, ये जी, ये वाली जी, ये वाली जी, ये दी 2,80,000 रूपए। 2,80,000, 78,000 रूपए की कीमत में। अच्छा, कौन सा गाँव जाएगी अपनी? दिवेल। दिवेल जाएगी? दिवेल। जिला? उज्जैन जिला। उज्जैन जिला जी। तो 78,000 में ये वाली भैंस दी है भैया ने, देख सकते हैं आप। और उस सेकेंड नंबर वाली पशु का दोस्तों अभी सौदा लग रहा है। ये वाली बच्ची सेल हो चुकी है और मैच रखी है। हवा तो मैंने बेटिया में। कहाँ से आए हो? जिरिमरा से जी। ठीक है, हो गया सौदा इसका? हाँ हो गया। खरीद ली जी। कितना दूध बताया? 6 लीटर दूध है। 6 लीटर दूध है। ठीक है, आप भी वहीं से हो? मैं दिवेल से जी। ठीक है, नोट भी गणित का? हाँ गणित का नोट भी। तो देखते हैं इस वाले पशु का सौदा लग रहा है, क्या होता है, जो भी सिचुएशन होती है हम आपको बताते हैं लाइव। गुरु तो गुरु रहेगा। हाँ सर, ये देखिए, ये ही है। और ये देखिए, इसके 85,000 रूपए मांग रहे हैं जी। दोस्तों उस वाली भैंस का भी सौदा स्थिति बनी हुई है, यदि कुछ चेंज आता है तो हम आपको वीडियो घुमा के उस साइड बताएंगे जी। 85,000 रूपए की कीमत कर रहे हैं जी। 6 किलो दूध 85,000 डिमांड। और एक ही है जी, एक ही वाली है जी। इसके नीचे 5-5.5 किलो दूध है, इसके मांग रहे हैं 80,000। 80,000 जी। हाँ, तो गुरु भाई अपने जो जानवर है इनका जंगल कहाँ का है? झालोर जंगल। झालोर जंगल का खाने पीने वाला कोर छोटी इसकी 65,000 रूपए इस वाली की, जो आपका सौदा अभी बना है जो पिंजान मांग रहे हैं जी। तो दोस्तों 65,000 सचिन भाई ने उस वाली पशु का लगा दिया है। हम बताते हैं आपको लाइव सौदा, इन दोनों भैंस को देख लीजिए। तो गुरु भाई ये कौन कौन से ब्यात में होगी एक अनुमान? ये तीसरे ब्यात की है ये वाली। हाँ, और ये दूजात पे, ये दूसरे में। दो के नीचे पाड़ियां हैं जी। एक इसको ब्याह को 8 दिन हो गए जी, इसको 12 दिन हो गए ब्याह को। अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद। देखते हैं ये वाले पशु का जो सौदा लग रहा है इसकी स्थिति हम बताते हैं आपको। ये बच्चों नालो देखो भाई साहब, हड़पड़ जंगल है। मतलब ऐसा नहीं है, 3 दिन का बच्चा है इस वाले पशु का, इसका भी सौदा लग रहा है। 4 लीटर दूध तैयार है। अरे ला रहा सचिन, ये तो करते नहीं। जो कह रहा है तू, लेकिन हम क्या बुक्की गड़वा रहे हैं क्या? अरे बंद रहा तू, पड़ोसी का हाकर निभाले, बीमारी बीमारी लगाओ क्या? छेकी तुम? अरे अरे भेंडा, एक मैं कर दूंगा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं। वो मेरी बात अकेला कर ले, तुम मेरे और रखो। 500 की बात थोड़ी भेंडे, 500 की बात थोड़ी आ रही है। अरे बापड़ा है, कोई बात नहीं, कोई दलाली तो नहीं बापड़ा है। ये आदमी सही है, जवाब दे रहे थे ढांडे दिलवाने वाला है, गोरखाना को नेहरू की बनोटरी। आगे बात समझ,
और अपना जब भेजे दिलवाता गारंटी लेता है, क्या करता है, पूरी गारंटी ग्रेड में दिलवाता हूँ मैं, पूरी गारंटी लेता। सही बात है, एक 15 दिन पहले भी वापस करी किसान से। 15 दिन पहले मैंने किसान से लेके वापस करो या इनको रिटर्न करो। जी बुरु भाई की भैंस थी। हाँ जी, कोई डर कुछ भी नहीं करा साहब। जी भैया हाँ, और मैंने भी सामने वाले को रिटर्न कर दी, मिस्टेक निकल गई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ऐसे कोई पशु में मिस्टेक आ जाए उसको आपने रिटर्न किया उसके लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी सौदा बना हुआ है, बताते हैं हम जो भी होगी स्थिति उसकी। दोस्तों ये वाली जो भैंस है आप देख रहे हैं नड़का के पशु बाजार से, दोस्तों जिसने यह खरीदी उनको पहले बता दिया है बाटा पे है भैंस, बच्चा नहीं लगाएगी, तो उस हिसाब से ही सौदा हुआ है। बाटे पे भी एक क्लियर बोल दिया सामने वाले, बोल दिया पहले क्लियर कर लगा रही है। जी बाटे पे है जी। भैया कितने में हुआ इसका सौदा? 75,000। और दूध कितना होगा? दूध दे देगी भैया, ये तो बता रहे 6-7 किलो, पर 5 किलो से बाहर निकाले, कम नहीं निकाले। जी 5 किलो निकाल देगी। जंगल कहाँ की है, मतलब जो बाटे वाली है? ये मारवाड़ की। मारवाड़ की, ठीक है भैया। तो देख सकते हैं मारवाड़ की भैंस बताई जा रही है दोस्तों, और दूध में थोड़ा वो हमने जो वीडियो में आपने देखा बच्चा नहीं लगा रही थी, तो जो पशु के खरीददार है उनको पहले ही क्लियर बोल दिया गया है कि जो है पशु है बच्चा नहीं लगा रहा है, और बाटा रखने के बाद वो मिल्किंग करता है, दूध जो है वो निकालता है, वो क्लियर करने के बाद उन्होंने हाँ की, तभी उन्होंने पशु का सौदा करवाया। तो इस प्रकार की स्थिति है। जो दोस्तों हमारा चैनल है इसके माध्यम से जो भी है हम आपको जो क्लियर है जो भी जानकारी है वो हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमने जो इसकी मिल्किंग चल रही थी तब हमने भी बोला था सचिन भाई से कि भैया ये दूध में परेशानी करेगी शायद, ऐसा लग रहा है, तो उन्होंने बता दिया कि पहले ही बोल दिया है बच्चा नहीं लगाएगी, ये जो है बाटे पे इसकी जो मिल्किंग की जाएगी। देखिए ये वाली भैंस अभी जो भैया लेकर पहुंचे हैं, काफ़ी बढ़िया बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर पशु का, और धुंधड़ का बाजार अभी समय सुबह का हो रहा है दोस्तों। और भैया दूध कितना होगा इसका? 7 शाम को। अच्छा 7-7 किलो भैया ने दूध बताया इनका। इसका दोस्तों एक जो हमने पिछले कुछ 1-2 सप्ताह पहले भैया की दामनी का एक लाइव सौदा भी बताया था। जी भैया कहाँ का है जंगल भैया पशु का? ये पाली का जंगल। पाली का जी। तो भैया डिमांड क्या रखी है आपने? 1,55,000 रुपए। जी तो कौन से ब्यात में? तीसरे में? दूसरे में। 1-10 हमारे को दे रहे इसके, लग चुके हैं 1-10। अच्छा तो आपने क्या इच्छा रखी आखिरी? आखिरी 1,35 बता दिया। 1,35,000 और 1,20 में दे देंगे हम लास्ट में। 1,20,000 में हो जाएगा सौदा। ठीक है भैया धन्यवाद। कितने पशु लाए आज? बच्चा कितने दिनों का है भैया इसका? 12 दिन। जी 5-7 भैंस लाए। जी 5-7 भैंस लाए अभी पहुंचे हो? कुछ हुई सेल? बिकी हुई कुछ? अच्छा कहाँ से हुआ? जी ठीक है भैया धन्यवाद। देखिए दोस्तों एक ये वाली भैंस देख सकते हैं आप बाजार से। दोस्तों एक सिंह भैंस का टूटा हुआ है, देख लीजिए आप। क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया। अच्छा कितने लाए आज पशु? 2 लाए। 2 भैंस लाए। इस वाली की क्या कीमत लगा रहे हो? 85,000 रुपए। तो देख सकते हैं दोस्तों 85,000 रुपए डिमांड रखी है, आप मान के चलिए जो भी हम पशु कीमत में बताते हैं, मतलब पूरी मंडी में घूमेंगे जो भी कीमतें बताई जाएगी उससे कुछ रेट कम होंगे, आप ये ना मान के चले कि जो कीमतें बताई गई है वो फाइनली होगी। और ठीक है एक ये वाली भी। अच्छा एक ये वाली देख सकते हैं आप। दोस्तों धुंधड़का का जो बाजार है काफ़ी फेमस बाजार है मारवाड़ की, काफ़ी यहाँ पे भैंसें पहुँचती है, मान के चलिए आप करीब करीब जो पशु बाजार है यहाँ से 40% जो पशु है मारवाड़ के पहुँचते हैं, और कुछ
60% जो पशु होते हैं वो लोकल भी आते हैं, बाकी बताते सभी मारवाड़ी बताते हैं। इस वाली की क्या कीमत है? 1,05,000। इसका दूध? 7 किलो। तो देख सकते हैं अंडर क्वालिटी, 7 किलो के आसपास दूध बताया जा रहा है और 1,05,000 दोस्तों इसकी डिमांड रखी है। ये बच्चे किसके हैं? अच्छा इनके। अच्छा दोनों के आपन है? दोनों के आपन जी। कितना कितना समय लेगी और जन्ने में? ये लेगी 5-5 दिनों। 5-5 दिन के आसपास। ठीक है भैया, क्या हाल चाल है? बड़े ली कोई भैंस? अच्छा धुंधड़का से। धुंधड़का से जी। घोंसला में लगाओगे क्या घर से? घोंसला। ठीक है। देखिए दोस्तों अभी सामने देख लीजिए, इस वाली भैंस का सौदा हो चुका है। तो बताते हम किसने खरीदी है, किस बजट में खरीदी है। हो चुका है सौदा फाइनली इस वाली भैंस का। ये वाला सौदा लग रहा है, देख लीजिए आप। हो चुका है फाइनली सौदा, लगभग हो चुका है या होने वाला है। हो गया भैया सौदा? अच्छा कितने में बैठ जी आप? 80,500 जी। तो देख सकते हैं कहाँ से आए हो भैया आप? भोपाल से। तो 80,500 में इन्होंने खरीदी है भैया की दामनी से, देख सकते हैं बढ़िया भैंस है जी। 4 रोज की यानी है, ब्याई है और कद काठी अच्छी है भैंस की, मुर्रा नस्ल की भैंस है। देख सकते हैं दोस्तों ऑर्डर क्वालिटी आप। क्या नाम है भैया आपका? राकेश सिंह ठाकुर जी। कहाँ से आप पहुँच? भोपाल। भोपाल से जी। तो कितने में हुआ सौदा? 80,500 है ना? 80,500 का जी। भैया दूध एक अनुमान कितना होगा? भैया अभी कच्चा दूध, इसके बाद 4 किलो के आसपास। 4 किलो की दी हुई है, पांच, कम से कम 5.5 किलो आराम से निकाल देगी। खुराक होगी ना जी, 5.5 लीटर दूध बना देगी जी। ठीक है भैया धन्यवाद। देखा दोस्तों आपने इसका, हमने बताया जो लाइव सौदा है, अभी बच्चा लगाया है इसका और सौदा किस प्रकार हुआ इसका 80,500 रुपए में। इस प्रकार की भैंस आपको धुंधड़का बाजार से जो ओरिजिनल कीमत है वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताई है कि ये वाली भैंस है दोस्तों, इसका भी सौदा हो चुका है। ये इसके नीचे बच्चा है और देख सकते हैं पशु, उससे हम तुलना करें थोड़ा दुबला पतला है, बाकी कद काठी इसकी भी अच्छी है। दूध कैपेसिटी की बात करें थोड़ी कम होगी इसकी। भैया इसके दूध निकाल लिया है क्या? खाली कर लिया का। तो भैया इसका कितने में हुआ सौदा? 56,000 में। तो दोस्तों देख सकते हैं मात्र 56,000 रुपए की कीमत के साथ इस वाले पशु का सौदा हुआ है। 10,000 डीली आज मंडी, आज 10,000 रुपए डीली है जी भैया। ठीक है धन्यवाद। इसका दूध कितना होगा भैया? 4 किलो जी। आधी खाली कर ली है और जी जी। आपका नाम बाबू जी? अनवर भाई। अनवर भाई कहाँ, भोपाल से पहुँचे हो? भोपाल से जी। आपने खरीदी भैंस जी 80,500 रुपए की कीमत के साथ में। अभी मिल्किंग स्टार्ट की है इसकी, कुछ मिल्क इसका कुछ आधा अधूरा निकाला जाएगा, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं 5-7 भैंसे भैया के पास में खड़ी है, 2 भैंसे अभी तक हमें जो जानकारी मिली इसके अनुसार सेल हो चुकी है, सेल आउट हो चुकी है। दोस्तों जो कीमत है पशु की, ये वाली और ये वाली दोनों पशु की कीमत है जो भैया है इन्होंने ओरिजिनल कीमत बताई है। भैया अपने को कितनी क्या भैंसे खरीदनी है? हमें लेना है 6 भैंसे। 6 भैंस तो यहाँ से अपने को घर पे डेयरी फार्म के लिए चाहिए कि बाजार में लगानी है मंडी में जी? घर के लिए। तो आपके घर पर अभी कितने क्या पशु अवेलेबल है? 4-5 पशु। 4-5 और 5-6 और लेना है यहाँ से धुंधड़का बाजार से। तो पहली बार आयो कि हमें साथ आते हुए? मेरा 5वीं बार हो गया धुंधड़का से। ठीक है, कैसे क्या यहाँ के जो पशु है, मतलब कितना क्या दूध निकालते हैं जो यहाँ? खिलाई से कम से 5-6 किलो से अच्छी निकलती है। एक अनुमानित जो यहाँ के जो व्यापारी भाई होते हैं वो बताते हैं उसके आसपास निकालते हैं जी। 5-6 किलो दूध है जी। ठीक है भैया धन्यवाद। दोस्तों एक ये वाला पशु देखिए आप, नीचे बच्चा है, पाड़ा है शायद, और देख सकते हैं काफी बढ़िया बॉडी स्ट्रक्चर है, बड़ी भैंस है,
तो दिखाते हैं हम आपको पीछे से ऑर्डर क्वालिटी, फिर पशु जो पशु के मालिक है उनसे हम बातचीत करके अब तक संपूर्ण जानकारी है इसकी पहुंचाएंगे। देख सकते हैं गत काठी काफी बढ़िया है, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें शरीर भी काफी बढ़िया है बना हुआ इसका, और दूध की कैपेसिटी दोस्तों करीब करीब हो गई 6-7 किलो के आसपास में। इस प्रकार इसका जो है बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो भैया क्या हाल चाल है, कहाँ से आए हो भैया जी? तो आपकी है भैंस जी? भैया क्या कौन से नस्ल में ये? जाफरा, जाफरा, जाफरा में, जाफरी में जी। तो क्या डिमांड रखी है आपने? वो वाली भैया, ये वाली बीच वाली, हाँ। 1,75,000। तो भैया दूध कितना होगा अनुमानित? 14 लीटर दूध है, दोनों टाइम का 14 किलो जी। और भैंस को खोलना थोड़ी, कहाँ की है भैया भैंस? जंगल कौन सा है, कहाँ से लाए थे आप खरीद के? ये भिलवाड़ा, भिलवाड़ा से। खोलो जी, देख सकते हैं दोस्तों काफी बढ़िया शानदार पशु है, जो बॉडी स्ट्रक्चर भी काफी बढ़िया है पशु का बना हुआ 14 किलो के आसपास में। इसका रोज का दोनों टाइम का मिला के इसका दूध है, देख सकते हैं आप एक बार और देख लीजिए, बॉडी स्ट्रक्चर काफी शानदार है। सिंग रिंग सिंग देख लीजिए आप इसके पशु के जी। तो जानेंगे भैया की क्या इच्छा है, कहाँ तक होता है सौदा, इसका भी सौदा लग रहा है लाइव सौदा। ये ले रहे हमारे 1,00,000 रुपए बोल दिया उन्होंने हमारे, आपने 1,00,000 रुपए लगाए जी जी जी। तो जी आपने कितने लगाए भैया? आपने आखिरी कितना बोला जी? 1,00,000 रुपए लगा दिए, 1,00,000 रुपए लगा दिए। और फाइनल में बोल रहा हूँ 1,11 की दो जाओ, मगर नहीं दे रहे जी। फाइनल 1,11 आपने बोल दिया, 1,11 बोल दिया मैंने। इन्होंने तो 1 की मांगा था फिर जी। ये मलकापुर के हमारे जी, महाराष्ट्र जी, जिला बुल्ढाणा। तो ठीक है भैया धन्यवाद, काफी शांत बढ़िया भैंस है जो आपने दिखे। देखिए एक ये वाला पशु अभी आप देख रहे हैं, इसकी भी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें बढ़िया है, ऑर्डर क्वालिटी देखी होगी अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से, अभी इसके भी ग्राहक लग रहे हैं दोस्तों। तो बताते हैं और इसकी क्या डिमांड रखते हैं। कहाँ से आए हो आप? हम आए मक्सी से, मक्सी उज्जैन जिले, उज्जैन जिले। ठीक है भैया, सुंदरगढ़ गांव जी। देख लीजिए दोनों भैंस, दोनों समान समान एक समान लग रही है लगभग लगभग, और दूध कैपेसिटी दोस्तों इनकी यही कुछ हो सकती है एक अनुमानित, हम मैं बताऊं आपको 5.5 के आसपास में होगी बाकी, और आपको पीछे से पहले हम दिखाते हैं 5.5 से 6 तक हो सकती है यदि अच्छा दूध निकालते हैं पशु। तो दोस्तों मैं जो आपको जानकारी देता हूं मेरे अनुभव से देता हूं, बाकी उसमें भी थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक जो पशु होता है वो अपने घर का, यदि डेयरी फार्म का अपने घर का पशु उसके बारे में हम प्रैक्टिकल करके हम आपको बता सकते हैं, बाकी जो बाज़ार में पशु मिलते हैं उनका 100% गारंटी में तो क्या कोई भी बंदे आपको नहीं दे सकते हैं। सात किलो भैया डिमांड क्या है दोनों की? 1,20,000 है, 15,000 है। 1,20,000 इस वाली की बताई गई है और 1,15,000 जो वो वाली सात किलो उसकी बताई गई। लाके बंद करना, 3 आंचल का 6 किलो दूध है कंप्लीट जी भैया। झाड़ बाकी भैया 7.5 किलो झाड़ बाकी जी, चार जी। जंगल कौन सा है भैया आपने पशु का? नागौर, नागौर का जी। तो आप कहाँ से हो प्रॉपर? सिकंदराबाद जी, भीलवाड़ा जी। देख सकते हैं दोनों साथ साथ बता रहे हो आप, दोनों के आसपास जो दो पशु खोल लेते हैं। अभी कैसे करी 6 किलो, अभी का 6 किलो लगा जी, ये 7 किलो अभी का लगा जी। अरे भैया साइड में आना जरा, 2 मिनट लो, दोस्तों देख सकते हैं 1,15,000 1,20,000 दोनों पशु की भैया ने डिमांड रखी है 6 किलो 7 किलो के आसपास में। पशु की गारंटी ले रहे हैं कि इतना दूध नहीं निकालेगी तो आप पशु वापस आकर बांध सकते हैं।
परसों दलोदा से जो आते हैं बाबू जी, इनकी हम बहुत बार वीडियो बनाते हैं, अभी काफी टाइम से इनको नहीं बताया है, ये अभी जो जानकारी है एक सटीक जानकारी देते हैं, तो दिखाते हैं इनकी इनके पशु, हम जो ओरिजिनल होगा वही बताएंगे। ये क्या हाल चाल है बाबू जी? ये देखो सब भैंस अच्छी है, बताओ ले रहे भैया जी। देखिए ये वाला पशु देख सकते हैं आप, बॉडी स्ट्रक्चर इस वीडियो के माध्यम से दिख रही है आपको, हाइट आप एक अंदाजा लगा सकते हैं इससे। तो क्या हाल चाल है बाबू जी? बाबू जी बढ़िया है, भैंस लाए हैं जी। कितने लाए थे आज? 10 भैंस लाए थे, 8 बिकी है, 2 और बाकी है। 2 बाकी है जी। तो इस वाली की क्या डिमांड रखी है बाबू जी आपने? 75 रखी है, 65 लग रहे हैं, 65 लग चुके हैं, 75 मांग रहे हैं जी। और दूध कितना होगा अनुमान? जापान है वो दूध देगी, 5 लीटर कम नहीं देगी, 5 किलो निकाल देगी जी। और एक जी, एक और कौन सी है आपकी? एक और उसकी क्या डिमांड है? क्या 70,000? दोस्तों इस वाली भैंस की कीमत रखी है इन्होंने, देख सकते हैं एक कीमत रखी है, सौदा कम में हो जाएगा जो इनके जी। 75 वाली देख लीजिए, 65,000 तक लग चुके हैं इसके बाजार में। जापान है एक, ये वाली देख लीजिए, ये 55,000 रुपए इसकी दोस्तों डिमांड। ये बच्चा है, 70 मांग रहे ये 70,000 मांग रहे, 55 दे रहे आज जी, 55 दे रहे, वही बता इसको, देखो इसको अंदर लगाओ, 55 दे रहे, 55। अच्छा आपने लगा दी 55,000 जी, ठीक है 55,000। अच्छा तो देख सकते हैं कि ये वाली भी काफी बढ़िया है, बच्ची है नीचे, और जो इनकी हम बताते हैं कीमत, सही जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। दोस्तों हमारा भी सभी जो किसान भाई व्यापारी भाई सभी से अनुरोध है कि जो भी आप जानकारी दें हमें, एक सटीक जानकारी दे दे उससे, जो किसान भाई हमारे घर बैठे हमारी वीडियो के माध्यम से एक जानकारी लेते हैं उन तक जो सटीक जानकारी है वो पहुँच सके। ये जो है इन्होंने 55,000 रुपए लगा दिए। तो दूध कितना बताया इसका? 4 लीटर, 4 किलो बताया गया, ठीक है भैया। कहाँ से आए हो आप? अच्छा कहाँ पे? कायमपुर के पास, जिला मंदसौर, ठीक है। इस वाली पशु के इन्होंने लगा दिए 55,000 रुपए और डिमांड रखी इन्होंने 65,000, 75,000 बता रहे थे, पर 65,000 की इनकी इच्छा थी इसकी। तो एक ये वाला पशु देख लीजिए आप, धुनड़का बाजार से बता रहे हैं आपको, एक जो सिंह है इस प्रकार का है, मतलब पहले कभी जो बात करें हम टूट चुका था इसका, और बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया है, यहाँ पे कुछ दाग धब्बे है इसके। भैया क्या हालचाल है, कहाँ से आए हो? जावरा से। क्या डिमांड कर रहे हो भैया इसकी? 1,05,000। जापान है भैया? जावरा से। अच्छा तो कितना समय लेगी, कितना रोज लेगी? 8-10 दिन लेगी। 8-10 दिन, अच्छा तो भैया कहाँ तक हो जाएगी, एक अनुमान बताइए हमें। 85,000 फाइनल, ठीक है भैया धन्यवाद। देख सकते हैं इस प्रकार की भैंस से 85,000 रुपये बताए हैं, एक अनुमान बताया है, इसमें नहीं बिकेगी पशु, थोड़े रेट और कम हो गए तभी मंडी में सेल हो सकती है। दोस्तों एक ये वाला भी पशु देखिए, जो अभी पशु देख रहे हैं आप किसान भाई के जो पशु है वो हम आपको बता रहे हैं, धुनड़ का बाजार से देख सकते हैं, अंडर क्वालिटी करीब 4-4.5 किलो के आसपास की भैंस है, ये बच्चा है नीचे। तो भैया क्या कीमत लगा रहे हो आप? 1,25,000 मांग रहे जो। अच्छा 1,25,000 मांगे आपकी, तो अभी दूध कितना दे रही है? 5.5 किलो देख सकते हैं, 5.5 किलो आसपास में इसका एवरेज दूध बताया गया, ये बच्चा है नीचे। कहाँ की है भैंस भैया? राजेड़ा गाँव की जी। तो रतलाम जिला, कहाँ तक लग चुके हैं इसके, एक अनुमान? 90 तक लग गई। अच्छा ठीक है भैया। देख लीजिए अडर क्वालिटी आप इसकी, नीचे बच्चा है, कटड़ा है ये वाला, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, बढ़िया है पशु का।
एक और जो है दोस्तों देसी नस्ल की भैंस है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छी है, और बात करें हम शायद तीसरे ब्यांत के आसपास की शायद होगी, तीसरे जालौर की। हाँ, आप कहाँ से हो भैया? देखिए दूध दोस्तों अभी गाबन है, ये गाबन पशु है। भैया कितना समय लेगी और ये जनने में? ये 8-10 किलो लेगी जी। तो क्या कीमत लगा रहे हो आप इसकी? इसके मांग रहे हैं 75,000 रुपये मांग रहे हैं जी। 75,000 दोस्तों इसकी डिमांड रखी है, और 8-10 दिन के लगभग का, और अभी इसमें देरी है बच्चा देने में। देख लो, एक नंबर बेस, 7 किलो दूध है जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। ये एक और जो किसान भाई लेकर पहुंचे हैं, ये बच्चा है। पहले आपको भैंस बताते हैं पीछे से, क्या हाल चाल है भैया? बस बढ़िया बढ़िया। देख सकते हैं आप पशु की जो है अटर क्वालिटी है, इस प्रकार की है, और बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा है। करीब तीसरे या चौथे ब्यांत के आसपास की भैंस है। कहाँ से पहुँचे हो बाबू जी? जी जिला मंदसौर। रतलाम। रतलाम जी। आप लेके आए हो भैंस? हाँ। जी क्या कीमत मांग रख रहे हो आप इसकी? 1,90,000। तो कीमत तो ये वाली है ना, 1,90,000 की डिमांड बताइए दोस्तों। डिमांड तो काफी हमें थोड़ी ज्यादा लगी है इसकी। और तो भैया ये दूध कितना होगा इसका पास में अनुमानित? 10 किलो। दोनों टाइम का मिला के? दोनों टाइम लगे जी। दोनों टाइम का मिला के आसपास में 10 किलो का आसपास में दूध होगा। तो कहाँ तक लगे बाबू जी इसके? इसके लगी है 90,000। कहाँ तक की इच्छा है आपकी? कहाँ तक छोड़ो, 1,00,000 की। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों 1,00,000 की इच्छा है इनकी, 90,000 के आसपास में बता रहे हैं। बाकी और मेरे को नहीं लगता, थोड़ा और कम हो सकता है सौदा इसका। और करीब करीब कैपेसिटी यही कुछ 5 किलो के आसपास की रखती है एक टाइम का। इन्होंने शायद दोनों टाइम का मिला के बताया होगा 10 किलो, मतलब एक टाइम का बताया होगा 10 किलो। बाकी मेरे को लगता है कि 5 किलो से ज़्यादा दूध नहीं निकाल पाएगी अनुमानित, 5 से ज़्यादा 5.5। ये बच्चा अभी सामने देख रहे हैं आप। जी कहाँ से पहुँचे हुए आप? बूंदी से, पहले हरियाणा का रोहतक से जी। बूंदी जमीन ले रही 2 भैंस ली। अच्छा, तो एक दस दस की दो जी। तो पहले भी आए थे बाजार में यहाँ पे? पहले नहीं, शुरू की बार आया। पहली बार ही आए हो? अच्छा, चलो ठीक है। आप भी साथ में ही हो? चैनल का नाम बता दो। दोस्तों देख लीजिए ये वाली जो बच्ची है, नीचे है पाड़ा इसके, बच्चा है नीचे, देख सकते हैं अटर क्वालिटी, बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया है, शानदार। और गुंदड़ का बाजार की भैंस है जो अभी आप देख रहे हैं। या ओए ना रे भैया, तो भैया क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, जो अभी आप भैंस आपने घुमाई थी वो उसकी क्या डिमांड रखी आपने? डिमांड 1,00,000 मांग रहे, 90 से कम नहीं देंगे जी। दूध कितना होगा भैया? दूध अभी 12 लीटर है। 12 किलो जी। तो अपने पशु कहाँ का है ये? जंगल कौन सा पाली है? जंगल। पाली जंगल के रहने वाले जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। देख सकते हैं जो इस वाली पशु है, आपने देखा इसके 90,000 रुपये भैया बता रहे हैं फाइनल जो कीमत है।